नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के। आज है 4 मार्च 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में दोस्तों, जैसे कि मध्य प्रदेश में किसके सहयोग से बनेगा कृषि उत्कृष्टता केंद्र। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह कृषि उत्कृष्टता केंद्र और यह किसके सहयोग से बनेगा, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश के नए पुलिस के प्रमुख बनाए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह कौन से नंबर के हैं, यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, और किस शहर से इनका संबंध है, कौन कौन से पदों पर यह रहे हैं, सभी कुछ हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप पिन मैसेज में जैसे ही जाएंगे आपको पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में। इस लेक्चर की पीडीएफ भी दोस्तों आपको वहीं पर मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जितने प्रमुख अवार्ड हैं मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए 2021 में पूरे के पूरे डिसीजन है, सभी की सभी पीडीएफ आपको पिन मैसेज में मिल जाएगी। तो यू कैन गो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टुडेज करंट अफेयर वेलकम बैंक और 4th of March 2022 करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 950 मेगावाट उत्पादन क्षमता का सौर पार्क कहां पर विकसित किया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सोलर प्रोजेक्ट डेट वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट हियर। 950 मेगावाट इसकी जो पूरी की पूरी उत्पादन क्षमता होगी, तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर एक है छतरपुर में, टीकमगढ़ में, ओरछा में या फिर ओमकारेश्वर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, छतरपुर में दोस्तों। तो 950 मेगावाट उत्पादन क्षमता का सौर पार्क कहाँ पर है, छतरपुर में इसे विकसित किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा एक और महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट परियोजना। लगभग 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है और यह दोस्तों आपके मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और वर्तमान में यह सभी क्या है, प्रस्तावित है। जो ओमकारेश्वर की फ्लोटिंग है इस पर तो काम शुरू हो गया है, वर्तमान में जितनी भी जो बनकर तैयार नहीं होती हैं जब तक, तब तक इनको हम लोग प्रस्तावित ही मानते हैं। परंतु करंट सिनेरियो में अगर हम देखें मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सौर परियोजना कौन सी है, तो सबसे बड़ी सौर परियोजना है आपकी रीवा सौर्य परियोजना है, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित हम लोग देखते हैं लगभग 750 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है और इसकी जो विद्युत है दोस्तों वह दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाएगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाएगी। किसकी जो विद्युत है वह रीवा सौर परियोजना की विद्युत है, वह दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाएगी, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पावर पार्क्स जो कि है इसका नाम है मोड में स्वीकृत की गई है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग और 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इसके साथ ही साथ सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट को विकसित किए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। इन पार्क के विकास के लिए RUMSL सौर पार्क परियोजना विकासक होगा, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी फोगेट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में किसके सहयोग से बनेगा कृषि उत्कृष्टता केंद्र। काफ़ी दिनों बाद दोस्तों कृषि से संबंधित कोई न्यूज़ आई है और कृषि उत्कृष्टता केंद्र जो कि काफी अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट होता है, यह नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को उन्नत तकनीक का प्रयोग करके किस तरीके से हम लोग खेती का जो है उसको व्यवसायिक रूप से कर सकते हैं, यह सब इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा। तो दोस्तों लगभग 29 इस तरीके के उत्कृष्टता केंद्र बनने हैं, कहाँ पर बनने हैं, पूरे देश में बनने हैं। तो उसमें से मध्य प्रदेश में कितने बनेंगे यह भी हम अभी आगे देखेंगे, परंतु उसके पहले हमें यहाँ पर देखना है कि मध्य प्रदेश में किसके सहयोग से बनेगा कृषि उत्कृष्टता केंद्र। आपका ऑप्शन नंबर एक है इसराइल के, जापान के, अमेरिका के या फिर वियतनाम के। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक, वन एंड ओनली इसराइल। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और इसराइल की मदद से ही दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भिंड और मुरैना में भी काफ़ी कुछ फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमें देखना है कि जो मध्य प्रदेश में जो कृषि उत्कृष्टता केंद्र हैं वह भी इजराइल के माध्यम से बनाए जाएंगे। तो और फूलों की खेती के लिए भी काफ़ी अधिक प्रोत्साहित इजराइल के माध्यम से किया जा रहा है,
कुछ जिलों में संतरा की खेती के लिए भी इसराइल की से काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में इसराइल की जो कृषि तकनीक है, पूरे वर्ल्ड में जो इसराइल की दोस्तों आपकी बोर टेक्निक्स हैं, बोर वेपन्स हैं, इतने अधिक आधुनिक किसी भी देश के पास नहीं है जितने अधिक आधुनिक इसराइल के पास हैं। तो इसलिए इसराइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हियर। तो मध्य प्रदेश में किसके सहयोग से बनेगा यह कृषि उत्कृष्टता केंद्र? इसराइल के सहयोग से बनेगा। अब हम लोग आपको बताना चाहूँगा मुख्य रूप से कृषि के मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश को बांटा गया है 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें आप पूर्वी क्षेत्र देखेंगे, यह पूरा का पूरा चावल बेस है। इसमें आप यहां पर दोस्तों मालवा रीजन देखेंगे, यह गेहूं की डलिया भी इसे कहा जाता है। इसके साथ ही साथ कपास का भी यहां पर काफी अधिक उत्पादन होता है, और यहां पर पूरा का पूरा आपका देखेंगे सोयाबीन, और इसके साथ ही साथ पूरा का पूरा गेहूं, और यह पूरा का पूरा एरिया देखेंगे आप सरसों मक्का इस तरीके के, और साथ ही साथ गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से दोस्तों 5 भागों में बांटा जाता है कृषि के रूप से। और किसी जलवायु क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो 11 हैं, इनको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रथम बार कृषि आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया था? 2012 में कराया गया था, और ऐसा करने वाला प्रथम राज्य भी मध्य प्रदेश था, इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की लगभग 65-70% जनसंख्या क्या है? डिपेंडिंग ऑन कृषि है, इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का औसत कृषि जो कितना है? 1.67 है, इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों यह है आपका होशंगाबाद में। और अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं आपका मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह है जबलपुर में, दोनों को याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी तरीके से आप देखेंगे कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है और मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दोनों ही आपके खरगोन में है। तो कपास और मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? खरगोन में है। इसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों कपास और हमने देखा मूंगफली, और अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए जैविक कपास, याद रखिए जैविक कपास, तो यह कहां पर है? यह है दोस्तों खंडवा में। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन करने के लिए इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप हमेशा लगा के आइए खरगोन, परंतु वह क्वेश्चन को घुमा देंगे। आपको हमेशा से याद है कि जब कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है तो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र भी वहीं होगा। तो दोस्तों यह इस तरीके के जो माइनर डिफरेंस होते हैं, इन्हीं से ही हम जो फाइनल लिस्ट है उसमें आने से चूक जाते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि उस तरीके के क्वेश्चंस को हम पिक करें जो कि राइट हो। चलिए इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कृषि से ही संबंधित। जैसे कि आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश में दोस्तों जो पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र में, यहां पर मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है ये वाला बालाघाट वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहां पर सबसे अधिक तालाब के माध्यम से कृषि सिंचाई की जाती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। यह जो पूरा का पूरा पश्चिमी क्षेत्र देखेंगे, यह वर्षा सबसे कम होती है, तो इसको आपको याद रखना है। और यहां पर जो पूरा का पूरा क्षेत्र देखेंगे दोस्तों, यहां पर यह गंगा दुआब का क्षेत्र माना जाता है, ग्वालियर भिंड मुरैना शिवपुरी, और यहां पर काफी अधिक नहर की सुविधा है, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो यह ग्वालियर में है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम कृषि जो विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी, और यहीं पर जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना कहां पर की गई थी? इसी विश्वविद्यालय में, अर्थात जबलपुर में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इजराइल का भारत में 29 कृषि उत्कृष्टता केंद्रों में से कितने मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो अभी हमने देखा कि जो कृषि उत्कृष्टता केंद्र है वह किसके माध्यम से एस्टेब्लिश किया जाएगा? एस्टेब्लिश बाय इजराइल। अब हम यहां पर देखते हैं कि 29 ऐसे क्षेत्र एस्टेब्लिश करना है इजराइल के द्वारा, परंतु उसमें से कितने मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे? तो यहां पर क्वेश्चन में ही आपको एक आंसर मिल रहा है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, पीडीएफ जरूर से जरूर प्राप्त करिए टेलीग्राम चैनल पर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो 29 कृषि उत्कृष्टता केंद्र हैं वह टोटल पूरे इंडिया में एस्टेब्लिश होना है, और इन्हीं 29 में से कितने मध्य प्रदेश में स्थापित होना है? तो आपका ऑप्शन नंबर एक 2 केंद्र, 5 केंद्र, 4 केंद्र या फिर 8 केंद्र। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक 2 केंद्र। कितने केंद्र एस्टेब्लिश होना है यहां पर? 2 कृषि उत्कृष्टता केंद्र एस्टेब्लिश होना है आपके मध्य प्रदेश में, तो इसको आपको याद रखना है। देखते हैं प्रदेश में इसराइल के सहयोग से बनेगा कृषि उत्कृष्टता केंद्र, पर्यटन, सिंचाई, व्यापार, उद्योग क्षेत्र में भी बढ़ेगा साझा सहयोग। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसराइल के काउंसलेट जनरल की श्री कोबी सोसानी ने की सौजन्य भेंट। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री सोसानी ने बताया कि इसराइल का भारत में 29 कृषि उत्कृष्टता केंद्रों में से 2 केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें छिंदवाड़ा में संतरा उत्पादन और मुरैना में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्लांट की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की जाएगी? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम है फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक ही व्हीकल्स का है, तो किस शहर में स्टेब्लिश की जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर एक है पीतमपुर, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक पीतमपुर, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पीतमपुर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट को लेकर श्री शिवराज सिंह चौहान से की गई चर्चा, इसमें 2000 करोड़ का निवेश से 1.5 से 2000 लोगों को दोस्तों प्रत्यक्ष और 3 से 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके जो चीफ डायरेक्टर है कौन सी कंपनी है? पिनेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड है, तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी किसे बनाया जाएगा? तो आप सभी को अभी तक होगा विभिन्न प्रकार के जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से आपको पता ही चल गया होगा कि सुधीर सक्सेना मध्य प्रदेश के नए डीजीपी बनेंगे, तो यह तो सभी को मालूम है। तो दोस्तों करंट का क्वेश्चन यह तो बनेगा, याद रखिए, परंतु क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा, घुमा के भी पूछा जाएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन टफ किए जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सुधीर सक्सेना है वह डीजीपी तो बन गए मध्य प्रदेश के, परंतु यह कौन से नंबर के? इस तरीके से जब तक आप डीप में जाकर किसी क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करेंगे, वेन एवर वी आर नॉट गोइंग डीप any types of question, we can't got a right answer. So first of all, we should change the way of study. हमें अपने पढ़ने का तरीका बदलना होगा और हमें हर क्वेश्चन की डेप्थ में जाना होगा। तो देखते हैं कौन से नंबर के हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर एक 31, 33, 22 या फिर 35, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक 31 नंबर के दोस्तों, 31वें नंबर के हैं सुधीर सक्सेना मध्य प्रदेश के पुलिस डीजीपी होंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, पीडीएफ में हमेशा कहता हूं जरूर से जरूर प्राप्त करिए। देखते हैं मध्य प्रदेश के नए डीजीपी सुधीर सक्सेना किस शहर से संबंधित है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे क्या बन सकता है कि यह किस शहर से संबंधित है? आगे क्वेश्चन यह भी बनाया जा सकता है कौन कौन से पदों पर यह रहे, परंतु वह इतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। परंतु यहां पर हमें यह देखना है कि यह जब मध्य प्रदेश से ही संबंधित है तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर से है, भोपाल से है, सागर से या फिर लखनऊ से, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यह ग्वालियर से संबंधित है, इसीलिए इनका स्थान इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। अब देखते हैं एमपी के नए डीजीपी होंगे सुधीर सक्सेना। डीजीपी का नाम तय कर दिया गया है, मोहर लगा दी है सरकार द्वारा, 1987 के बैच सीनियर अफसर है, तो इसको भी याद रखना है। और अभी तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, उन्हें मध्य प्रदेश में वापस बुलाया गया है। मौजूदा जो डीजीपी है वह कौन है? विवेक जौहरी जी हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सहवैस हैं, तो इनको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जौहरी 4 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद सक्सेना ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जैसे कि डीआईजी अजायक पुलिस मुख्यालय, डीआईजी सीआईडी पुलिस मुख्यालय, डीआईजी सीबीआई सहित कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। आज के आपके क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष उज्जैन का जन्मदिवस कब मनाया जाएगा? सेकंड है आपका, कितने दिए जलाकर उज्जैन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ गया? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।